Hey people, welcome back to my channel. This is The Flame. Hope you are doing great and the same as with me. So today I'm narrating you people a story which I heard from my teacher while I was attending my chemistry classes, and I found it very, very inspiring, to be honest. So this is the story of one of the greatest physicists, D. Albert Einstein, and another one of the greatest physicists, Erwin Schrödinger, जिनका पूरा नाम था अरविन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर. श्रोडिंगर ने एक बार एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन. अकॉर्डिंग टू दैट उसने कहा था कि एक एटम, एन एटम कैन प्रेजेंट एट टू प्लेसेस एट अ टाइम. एटम क्या होता है? कोई भी चीज दुनिया में, एक अलमीरे से लेके एक बैग तक, एक पेंसिल से लेके एक रेजर तक, हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिसे कहते हैं एटम. उसने कहा था कि एटम जो होती है कैन प्रेजेंट एट टू प्लेसेस एट अ टाइम. लेकिन लोगों ने उस टाइम उस पर बिलीव नहीं किया. लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. तो श्रोडिंगर ने प्रूफ करने के लिए क्या किया, उसने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में एक कैप को बंद कर दिया और साथ ही साथ उस बॉक्स में उसने एक ग्लास रखा जिसमें उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला. रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, मैं ऐसे बता देती हूँ. वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसे एटम से बना होता है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे एटम से बना होता है जिसकी न्यूक्ली काफी अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल होती है जिसके कारण वो बहुत सारे रेडिएशन एमिट करता है, छोड़ता है स्टेबिलिटी को पाने के लिए. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें रख दिया उसने उस ग्लास में, उस ग्लास को उसने बॉक्स में रख दिया कैट के साथ और उसको लॉक कर दिया. अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैट मर गई होगी उसने अगर वो ग्लास तोड़ दिया होगा तो, या तो वो कैट जिंदा होगी. मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी कि इधर द कैट इज अलाइव और नॉट अंटिल एंड अनलेस वी विल ओपन द बॉक्स एंड सी एंड चेक कि वो कैट जिंदा है कि नहीं. तो हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो कैट जिंदा है या नहीं, इधर इट इज अलाइव और डाइड. ठीक है, सो उसने कहा कि इसलिए हर एक चीज का दो पोजिशन होता है. ठीक है, इस बात को लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ही वॉज नॉट वेरी लाइक सपोर्टिव, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हिज थ्योरी. उसे वो थ्योरी सही नहीं लगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्हें वो थ्योरी सही नहीं लगी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीज की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, यस या नो. ठीक है, लेकिन श्रोडिंगर ने कहा कि हर एक चीज की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो यही डिफरेंस था अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी में और क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी था जो कि श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का अलग थ्योरी था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक चीज की दो पॉसिबिलिटी होती है. तो ये डिफरेंस था. लेकिन क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें मना कर दिया कि ये सही नहीं है. लेकिन गेस व्हाट, जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है क्वांटम थ्योरी, वो आज भी यूज होता है टू प्रूव मेनी रिजल्ट्स. इट हैज प्रूव्ड मेनी रिजल्ट, इट इज प्रूविंग मेनी रिजल्ट्स. मतलब we got the moral from the story this, that even the Albert Einstein, the greatest physicist of all time, rejected his theory, it is still worthy. मतलब वो theory अभी भी काम आ रही है लोगों के. मतलब even if greatest authority, big authorities, greatest institutions, anything, कोई भी तुम्हें reject करना, it doesn't mean तुम्हें वो बात नहीं है, तुम्हें वो बात है. If you have the talent, if you know the things, if you know that it is right, you will get a chance. सी ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब मना किया तब भी वो सही हो गया, तब तो हो ही सकता है ना. सो वी कंक्लूड दैट यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, रेदर देन वो बहुत बड़ा है, वो बहुत पढ़ा लिखा, उसके पास बहुत पैसा, उसे ज्यादा पता होगा, वो ज्यादा बड़ा है, उसे ज्यादा पता होगा. ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो नहीं होता. तुम्हें भी ज्यादा पता हो सकता है, तुम छोटे हो सकते हो, तुमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी, तुम ज्यादा लोगों के साथ बात घूमे नहीं होगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा नॉलेज हो सकती है. तो दैट्स इट, होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पीपल. और या दिस इज माय सेकंड स्टोरी ऑफ द चैनल एंड होप यू लाइक इट, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. लव.